ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹவ் ஆர் யூ? குட் ஈவினிங், சாரி குட் மார்னிங். அபி மேன் ஜான்சி சே கல்கத்தா ஜா ரா ஹூன், ஒரு ட்ரெயின் மே ஹூன், ஒரு ட்ரெயின் மே கஹீன் பே காவ் இலாக்கா மே ருக் தியா ஹை. நெட்வொர்க் ஏர்டெல் சலா ரா ஹூன் ஜிஸ்மே தோடா பி டவர் ஹீ நஹீ ஹை, ஒரு இத்னா படா பாப் அப் ஹுவா ஹை கி ஆப் 3G சர்க்கல் கே அந்தர் ஹோ. और एयरटेल ही दावा करता है कि 4G बेस्ट 4G नेटवर्क हो. सो कुछ इस जगह में खड़ी है, इस जगह में अभी जो आपने देखा वो फूड प्लाजा है जो कि हावड़ा स्टेशन के अंदर ही है, प्लेटफॉर्म के पास. सो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ हावड़ा. किस्मत हो तो मेरी जैसे मैंने ऐसी गाड़ी में ट्रेन में सीट की थी जो सुबह यहाँ पे पहुँचा था मेरे को 7 बजे. बट मेरी इतनी अच्छी किस्मत कि मैं क्या बोलूँ, वो गाड़ी हो गई 8 घंटे लेट. और पीछे इस आदमी का रिएक्शन देखे जो मेरे को देख रहा था, अभी भी देख रहा है. और फिर जब उसके बाद मेरी ट्रेन हावड़ा पहुँची तो मेरी किस्मत उससे भी अच्छी है. अनफॉर्चुनेटली बारिश, जो कि मेरे को बहुत ही विंटर सीजन में पानी से प्रॉब्लम है. और उसके बाद जब मैं जैसे तैसे करके इससे भी पीछे चुराया तो उसके बाद मेरे को पता चला कि मैं जब झांसी से निकला था तो तब तो मैं बहुत VIP बन के निकला था, बट हावड़ा पहुँच कर मैं कूली बन चुका हूँ. ये पीछे बैग, हाथ में झोला और एक मेरा सबसे बड़ा सूटकेस जो कि 50 किलो का हो गया था शायद, इतना सामान मैंने ज़बरदस्ती उसमें लॉक कर दिया और मैंने क्लॉक रूम में रखा स्टेशन में. और उसके लिए मेरे को बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ी. और अभी आप लोग को शायद नहीं पता कि मेरे पीछे क्या है, द हावड़ा ब्रिज दिख रहा है, दिख रहा होगा. मैं ब्रिज के ऊपर जाने का रास्ता देख रहा हूँ, पर यहाँ की बस ऐसी है कि जान दे देगी पर रुकेगी नहीं, सॉरी जान ले लेगी पर रुकेगी नहीं, तो आदमी क्रॉसिंग कर ले. अरे भाई कहीं नहीं जाना मेरे को. कभी भी कलकत्ता आओ और अनफॉर्चुनेटली अगर आप और अगर आपके पास रिजर्वेशन ना हो जनरल टिकट में आओ तो आप 1-2 घंटे पहले आ जाओ स्टेशन पर और घूमते रहो. यहाँ पे आपको दलाल बहुत मिल जाएंगे, यहाँ तक कि यहाँ टिकट कलेक्टर भी आपको पूछेंगे कि आपके पास रिजर्वेशन चाहिए क्या. ये मेरा 2 घंटे का एक्सपीरियंस है. मान लीजिए अगर आपको जो ट्रेन में जाना है उस प्लेटफॉर्म में चले जाओ और वहाँ पे घूमते रहो तो आपको दलाल ज़रूर मिल जाएंगे. अपना तो फंडा है, सर्दी हो या ठंडी चाहिए ही चाहिए एनर्जी ड्रिंक. कलकत्ता की और एक फेमस बात जो कि मैं बताना भूल गया, चाय यहाँ पे डिस्पोजल में नहीं मिलती, मटके में मिलते, जो कि इसमें आते ही साथ डबल हो जाता है.
अभी मैं बस स्टैंड में खड़ा हूँ और मैं बिरयानी ढूंढ रहा हूँ, फिर कुछ नॉन वेज आइटम ढूंढ रहा हूँ तो कुछ खाने को मिले, उसके बाद आराम से ट्रेन में जाके सो जाऊँ। फिर उसके बाद मेरे को जाना है गुवाहाटी, जो कि मैं कल सुबह तक पहुँच जाऊँगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। दोस्तों इतनी मेहनत करते हो, एक लाइक और सब्सक्राइब तो दे ही डालो। So I will catch you in the next one.